एक्सीडेंट हुआ है, उस गाड़ी में भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है। जी सर, ये सब चीज़ को हम लोग नहीं जान पाए हैं सर। दुर्घटना हुआ है पंसालवा पुल के पास, दो आदमी का उसमें डेथ हो गया है, स्पॉट डेथ है। लड़का शराब उराब के कारोबार करता था? जी नहीं, वो बिल्डिंग का काम सर करता था। वो बिल्डिंग का काम करके वो घर आता था और ग्रिल व्रिल बनाने का काम करता था, और शाम के घर नहीं आया। हो सके बहकावे में वो चला गया होगा, वो चीज़ अलग है। हम लोग के जानकारी हुई है कि वो बंदा सुबह से करीब शाम से वो नहीं आया, ग्रिल का काम करता था। वो बिल्डिंग का काम, ग्रिल का घर का जो होता है वो बनाने का काम करता था, और शाम में वो घर नहीं आया। तो उनका पापा लोग फ़ोन किए रिलेशन में कि देखो वो लड़का काम करके घर आ जाता था, वो आज नहीं आया है, कहीं रिलेशन में तो नहीं चला गया है। तो रिलेशन में फ़ोन किया गया तो उनका जानकारी नहीं मिला कि हाँ रिलेशन में यहाँ कहीं पर आया है। और सुबह सुबह 6-7 बजे के करीब में हम लोग को सूचना मिला कि ऐसा ऐसा दुर्घटना हुआ है, वो एक्सीडेंट कर गया है। यही हम लोग को सूचना मिला है, तो हम लोग उसको खोजते। सर एक्सीडेंट के मामले में बताया जा रहा है कि मोतीपुर साइड में कोई ऐसा गांव है, इसका तो फुल जानकारी मेरे पास नहीं है कि हाँ मतलब ऐसा हुआ है, और हम लोग उसको खोज में आए हैं तो पता चला है कि हाँ ऐसा ऐसा मृत्यु उनको हो सकती है। ये सब शराब के मामले में हम लोग के जानकारी नहीं मिली है, सिर्फ मिली है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग यहाँ किसी को बहकावे में चला गया होगा, उस चीज़ को हम अति कर रहे हैं। लेकिन वो बिल्डिंग के काम करके वो घर आता था साहब प्रतिदिन। जी बिल्डिंग का काम करके प्रतिदिन वो घर आ जाता था। क्या नाम है? जी प्रिंस कुमार नाम है। कितना उम्र? वही 18 बरस। जी पिताजी का नाम दिनेश चौधरी हुआ, सराय ग्राम बसंत पटेढ़ा थाना सराय जिला वैशाली। जी सर जी मुजफ्फरपुर के निकट हुआ। जी जी सर बड़ी पोस्टमार्टम हम लोग के पता चला कि यहाँ पे है, तो हम लोग बड़ी पोस्टमार्टम के लिए आए। जी सर पहचान हो गई है। धर्मेंद्र कुमार हुआ, हम उनका चचेरा भाई हुए। गाड़ी में तो हम तो नहीं देख पाए हैं, हम लिए हैं और चलते रह गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। हाँ जी मोतीपुर थाना। नहीं पहचान अभी तक तो नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? गौरी शंकर यादव। आपको दिखाता है सच का आईना।